हे गाइस, वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने गूगल क्रोम में डार्क मोड या डार्क थीम कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे विकिपीडिया वेबसाइट खोली हुई है। तो जो इसका भी बैकग्राउंड कलर है वो एकदम लाइट है, यानी हम मान सकते हैं एकदम वाइट है। तो अगर जैसे मैं इस थीम यहाँ पे, अभी हैकरैंक वेबसाइट पे भी हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो एकदम वाइट है, फेसबुक पे भी जो बैकग्राउंड कलर है वो एकदम लाइट है। तो इसे एनेबल करने से होगा क्या कि जितने भी हमारी वेबसाइट्स हैं उन सब पर जो बैकग्राउंड है वो उनका जो बैकग्राउंड कलर है, या फिर हम मान सकते हैं कि एक उनका जो थीम है बैकग्राउंड की, वो डार्क हो जाएगी। तो सबसे पहले गूगल पे हम सर्च करेंगे क्रोम एक्सटेंशंस, और फिर हम जाएंगे क्रोम वेब स्टोर पे। क्रोम वेब स्टोर जाने के बाद हम वहाँ पे सर्च करेंगे नाइट आई। तो ये एक एक्सटेंशन है गूगल की, गूगल क्रोम में एक एक्सटेंशन है जिससे हम उसमें एक एक्सटेंशन के थ्रू हम नाइट मोड एनेबल कर सकते हैं, ये डार्क मोड। तो यहाँ पे हमें इसे अपने क्रोम में ऐड करना है। तो क्रोम में ऐड करने के लिए हम यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड टू क्रोम, तो यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद जो हमारा एक्सटेंशन है वो हमारे गूगल क्रोम पे ऐड हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग नाइट आई। ओके, तो उसके बाद वहाँ पे ऊपर आपको एक सिंबल बना आ रहा है आई का, उस पर क्लिक करके यहाँ पे लिखा है यहाँ पे लिखा है स्टार्ट करने के लिए टर्न ऑन। टर्न ऑन के बाद यहाँ पे डार्क पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपने वेबसाइट आपने खोली उस पर रिफ़्रेश करके देखो, रिफ़्रेश करने के बाद वहाँ पे आपका जो डार्क मोड है वो एनेबल हो जाएगा। हमारी जो हर वेबसाइट का जो बैकग्राउंड है वो डार्क हो रहा है। एक और एग्जांपल के लिए हम आपको गूगल क्रोम पे कुछ सर्च करके भी दिखाएंगे। तो मैंने गूगल क्रोम पे कुछ भी सर्च किया, जैसे मैंने लिखा गूगल, मैंने उसे सर्च किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट में हमारे जो विंडो है वो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट वाइट पे आती थी, पर इसे एनेबल करने के बाद जो हमारा जो बैकग्राउंड है वो अब ब्लैक पे हो चुका है। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।